स्टूडेंट वी स्टार्ट स्टैंडर्ड सिक्स ई चैप्टर नंबर फोर डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रीवियस चैप्टर में हमने डिज़ास्टर पढ़े थे फॉरेस्ट फायर पढ़ा था स्टोम्स पढ़े थे आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट मेजर ओके कैन यू टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन यूर क्लास एट प्रेजेंट Maybe a uh, class in 35 is student, 50 student. Okay. What would happen if 5 times this number set in your class? If your class in 50 student, then 15 is a 250 student. Okay. Which kind of disaster can occur in an extremely crowded place? If extremely crowded place, there can be पैनिक इन द क्लास रूम स्टैम्पेड वाइ गोइंग आउट ऑफ द क्लास रूम ब्रीथलेस अमंग फॉलो स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम्स होगी जब फाइव हंड्रेड स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे, बहुत ज़्यादा शोर होगा पैनिक साउंड होगा प्लस आपकी जो एयर ब्रीथिंग है उसकी जो एयर है वो बाहर नहीं जा पाएगी तो कई बच्चों को सफोकेशन भी शुरू हो जाता है इस टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है इफ़ क्राउड आर मोर देन बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अब हम इस डिज़ास्टर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर है इसको मैनेज कैसे करेंगे इसको इन जो आते हैं ये डिज़ास्टर इनसे हम अपना बचाव कैसे करेंगे ऐसा तो नहीं कि हम उन बचा उन डिज़ास्टर के से बचाव नहीं कर सकते हम कोशिश तो कर सकते हैं तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं ये आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर आर क्लोजली रिलेटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कि जब सब मिलकर कोई काम करते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब उस आपदा से किस तरह हमको बचाव करना है ये एक दूसरे से रिलेटेड है टेकिंग स्टेप टू द प्रिन्ट डिज़ास्टर मेकिंग प्लान टू फेस डिज़ास्टर एंड डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट इज़ कॉल्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम उस डिज़ास्टर से प्रिवेंट कैसे करेंगे उनके स्टेप्स उन डिज़ास्टर अगर वो डिज़ास्टर आ भी गया इनकेस तो हम उसको कैसे फेस करेंगे और किस हिसाब से उसको डेवलप करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नुकसान न हो लाइक like, अगर जैसे बाढ़ आने वाली है और उस एरिया के लोगों को पता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है समुद्र है या रिवर का पास का एरिया है तो उन लोगों को ऑलरेडी कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए हम कर सकते हैं ये चीज़ पहले से तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया कि अभी वो डिज़ास्टर आया नहीं है इफ़ अगर बाढ़ आती भी है तो कम से कम ह्यूमन बींग तो बच जाएगा एनिमल्स हैं उनको हम प्रिवें मतलब अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं इस तरह से हम ह्यूमन बींग और एनिमल्स का बचाव कर सकते हैं हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सेविंग्स और है हम अपने साथ ले जा सकते हैं तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूज डैमेज कॉजेड बाई नेचुरल और अमेनमेंट डिजास्टर इमरजेंसी प्लानिंग एंड अ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड हम उस डैमेज से रिड्यूज किस तरह से हमारा डैमेज कम से कम हो नैचुरल और अमेनमेंट डिजास्टर से इमरजेंसी प्लानिंग कर दी जाए एम्बुलेंस अरेंजमेंट कर दिया जाए और इसकी आर्मी की हमारी हेल्प ले सकते हैं हम इस तरह से हम प्रॉपर प्लानिंग कर ले तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने दे सकते ओके इंस्टीट्यूट वर्क द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी वॉज़ एस्टैब्लिश इन टू थाउजेंड फाइव इस 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क ये क्या करती थी प्लानिंग करती है और इम्प्लीमेंट करती है कि, कि किस तरह से डिजास्टर के मैनेजमेंट को वर्किंग किया जाए ओके ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड अ सपोर्टिंग ईच अदर इज अवर मोरल रिस्पॉन्सबिलिटी और सब से अच्छा बचाव है कि को कोई भी अगर डिज़ास्टर आ भी जाता है तो हम एक दूसरे की मदद करें हमारे नेबर हैं हमारे नेबर के हैं विलेजेस हैं उनमें जाके हम उनकी हेल्प कर दें तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स लेट एस सी व्हाट प्रकॉशन वी कैन टेक बिफोर और इन द इवेंट ऑफ अ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ऐसे नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर आने के पहले फर्स्ट की वॉचिंग टी वी एंड रेडियो न्यूज़ एंड बुलेटिन हमें अलर्ट रहना चाहिए अपडेट रहना चाहिए टी वी के और रेडियोज के द्वारा न्यूज़ बुलेटिन से क्योंकि हर बार जैसे स्टोम्स वगैरह और सुनामीज़ वग़ैरह आते हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है एनवायरमेंट वालों सॉरी मौसम विभाग को तो वो लोग हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं यूज़ बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल बैटरी ऑपरेटेड रेडियोज़ एंड मोबाइल यूज़ करना चाहिए ऐसा इसलिए करना चाहिए कि केस कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारा बिजली सप्लाई डैमेज होता है बहुत तेज़ हवाएं चल रही है हमारा बिजली सप्लाई डैमेज हो जाता है उस केस में रेडियो और मोबाइल हमारे काम में आ सकते हैं हीट द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट केयरफुली और जो वार्निंग दी जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि वेदर की रिपोर्ट्स उसके पास अपडेट रहती हैं तो अगर वो कोई वार्निंग दे रहा है लाइक अगर जैसे समुद्र में कुछ सुनामी आने वाली है या कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली है तो बोला जाता है कि जो फिश पकड़ते हैं वो उस समय वहाँ पर ना जाए और जो बाढ़ के वाले एरिया हैं रिवर के एरिया हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि आप रिवर के पास ना जाएं और अगर आप रिवर के बाजू के एरिया में रेसिडेंस है तो आप वो जगह खाली कर दीजिए और कोई सेफ प्लेस पे चले जाइए तो ये सब जो न्यूज़ हैं वार्निंग्स हैं वो हमें मतलब अच्छी तरह से करनी चाहिए यूज़ द वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई आई एम डी डॉट इन और आजकल तो मीडिया सोशल मीडिया पे सब अपडेट रहते हैं तो ये साइट हमको अपने पास डाउनलोड कर लेनी चाहिए लैंड स्लाइड अगर इन अली एरियाज ड्यू टू क्लाउड ब्रस्ट और अ हैवी रेंज जो हिलीज एरिया है वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट मतलब बहुत तेज बारिश होती है और हैवी रेन्स होती हैं बादल फटते हैं तो उस केस में वहाँ पे लैंड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है ऑल सच ओकेशन डू नॉट टेक शेल्टर एट द फुट ऑफ अ हिल तो याद रखिए कि वहाँ पर हम अपना रेजिडेंस ना बनाए हिल फुट ऑफ़ द हिल पर ड्यूरिंग फ्लड्स डू नाट लिंगर इन हाउसेज और एरियाज ऑन रिवर बैंक कहीं पर भी रिवर्स और उनके आजू बाजू के इसमें रह नहीं करें सेफ प्लेस में चले जाएँ और अगर आप कभी गए भी हैं और आपको पता चल रहा है तो उस जगह से आप तुरंत वहाँ से शिफ्ट हो जाइए शीख शेल्टर इन अदर सेफ प्लेस अपना सेफ प्लेस को सर्च कर दिए और वहाँ चले जाइए मूव टू सफ़र प्लेस एट अ ग्रेटर हाइट ऐसे समय में हमें ग्रेटर हाइट पे रहना चाहिए जैसे अगर बाढ़ वगैरह आती भी है तो वो नीचे के नीचे चली जाती है डू नॉट स्टैप इंटू द वॉटर करंट और अ ड्राइव अ व्हीकल इन टू ऐसे समय में ऐसे कोई भी चीज़ ना यूज मत करिए जो वाटर करंट से रिलेटेड है और व्हीकल चलाना बंद कर दीजिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रोड्स प्लेट ओपन जो अर्थक्वेक के समय रोड्स भी फट जाते हैं द ग्राउंड क्रैक्स रेलवे ट्रैक्स ग्रेट अप्रोटेड ग्राउंड क्रैक्स हो जाती हैं रेलवे के ट्रैक्स उखड़ जाते हैं वैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंश्योर दैट द रोड टू सेव फर्दर ऑन ऐसे समय एक प्लेस से दूसरी प्लेस अगर आप जा भी रहे हैं तो पहले इंश्योर कर लीजिए कि वो रोड सेफ़ है कि नहीं और अगर आप कभी अर्थक्वेक आ रहा है या आया है तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे कभी भी खड़े मत रहिए आपके जो लाइट्स के ये रहते हैं उस लाइट्स के पास भी बिल्कुल मत खड़े रहिए जहाँ से करंट लाइन पास होती हैं उनके नीचे भी आप नहीं खड़े रहिए टेक शेल्टर इन अ रिलीफ कैंप एज दे प्रोवाइड मेडिसिन फूड पैकेट ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट एड एक्सेट्रा रिलीफ कैंप के शेल्टरों में मेडिसिन फूड पैकेट ड्रिंकिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर फायर से प्रोटेक्ट करिए फायर यूज फायर एक्सटिंगशन इन पब्लिक प्लेस लाइक स्कूल हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा तो हमें फायर एक्सटिंगशन का यूज़ करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में जैसे स्कूल हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन जिससे हम अगर इनकेस कभी फायर हो भी जाती है कोई भी चीज़ सडनली होती है तो इनकेस कभी हो भी जाती है तो उस केस में हम तुरंत के तुरंत प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को भी और दूसरों को ओके फर्स्ट एड इन डे टू डे लाइफ समटाइम वी हैव टू फेस डिजास्टर और एक्सीडेंट ऑफ अ वेरिंग प्रपोशन हम देखते हैं कई आज के समय में जब टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का यूज ज़्यादा बढ़ गया है तो सडनली एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं ऑल सच ओकेशन इट इज़ अ नेसेसरी टू गिव सम इमिजिएट एड इवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकम अवेलेबल तो उस ओकेशन में नेसेसरी है कि कुछ इमिजिएट हेल्प दी जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के आने से पहले जिससे हम उस पर्सन या उस व्यक्ति को बचा सकें जिसका एक्सीडेंट हुआ है आज का चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिनके किस तरह से इमीजिएटली आप उनको हेल्प कर सकते हैं उनके फर्स्ट एड कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू